भारत का वह विकेटकीपर खिलाड़ी जिसे देश से ज्यादा इंग्लैंड में प्यार मिलता था। हाल यह था कि उनके खेल की दीवानी वहां की क्वीन भी थी। गालों पर डिंपल, बला के बातूनी और मुफट, गोरे चिट्टे फारूक इंजीनियर की गिनती अपने जमाने के सबसे डैशिंग बल्लेबाजों और विकेटकीपरों में होती थी। बैटिंग एबिलिटी ऐसी कि दर्शकों की डिमांड पर छक्कों की बौछार करते और विकेट कीपिंग में फुर्ती ऐसी कि विकेट के दोनों तरफ के गेंदों को बिंदास रोक लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेस हॉल और चार्ली ग्रिफिथ जैसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के बाउंसर को डक करने के बजाय जबरदस्त शॉट लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फारूक इंजीनियर से जुड़ी उन दिलचस्प किस्सों को जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। फारूक इंजीनियर का जन्म 25 फरवरी 1938 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता मनेकशॉ पेशे से एक डॉक्टर थे, वहीं उनकी मां का नाम मिनी था, जो एक हाउसवाइफ थी। इंजीनियर ने अपनी शुरुआती शिक्षा माटुंगा स्थित डॉन बॉस्को हाई स्कूल से प्राप्त की। बताया जाता है कि इंजीनियर को खेल में दिलचस्पी अपने पिता से प्राप्त हुई। वह टेनिस खेलते थे। फारूक इंजीनियर की पढ़ाई पोदार कॉलेज माटुंगा मुंबई से पूरी हुई थी। इस कॉलेज से निकले यह पहले क्रिकेटर स्टार रहे। इसके बाद यहां से संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर जैसे कई क्रिकेटर दुनिया में छाए। दोस्तों, फारूक इंजीनियर बचपन में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह पायलट बने। लेकिन इन्होंने अपने फ्लाइंग के शौक को बखूबी जिया। उन्होंने क्रिकेट खेलने के अलावा फ्लाइंग की बकायदा ट्रेनिंग ली। फारूक पाइपर चोरोक और टाइगर मॉथ जैसे छोटे हवाई जहाज उड़ा भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने कभी ज्यादा ऊंचाई पर हवाई जहाज नहीं उड़ाए। फारूक इंजीनियर के स्कूल का एक किस्सा बेहद मशहूर है, जब उन्होंने अभिनेता शशि कपूर के चेहरे को घायल होने से बचाया था। दरअसल फारूक इंजीनियर और शशि कपूर दोनों ही एक क्लास में पढ़ा करते थे। एक बार वो उनके बगल में बैठकर उनसे बातें कर रहे थे, तभी उनके अध्यापक ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि कपूर के मुंह की तरफ मारा। वो उनकी आंख में लगने ही वाला था कि फारूक इंजीनियर ने उसे शशि कपूर के चेहरे से 1 इंच पहले कैच कर लिया। इसे देखकर वहां मौजूद हर कोई एक पल के लिए हैरान रह गया। बाद में जब शशि कपूर सुपरस्टार बने तो फारूक इंजीनियर अक्सर उनसे मजाक करते थे कि अगर उस दिन मैंने वो डस्टर कैच नहीं किया होता तो तुम्हें सिर्फ डाकू के रोल ही मिलते। फारूक इंजीनियर ने अपने करियर को एक क्रिकेटर के रूप में ही आगे बढ़ाया। इसके पीछे का मुख्य कारण फैमिली से प्रभावित होना भी था। इनके भाई डैरिस क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए थे। वह ऑफ स्पिनर के रूप में फेमस थे, जिसे यह भी विकेट कीपिंग में परफेक्ट हुए। इंजीनियर को उनके बड़े भाई पहली बार ब्रेबोर्न स्टेडियम में ले गए। यहां उन्होंने डेनिस कॉम्पटन को मैदान में क्षेत्र रक्षण करते हुए देखा। इंजीनियर उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक च्युइंगम का टुकड़ा दिया, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक अपने पास सहेज कर रखा। खेल के प्रति रुझान को देखते हुए उनके पिता ने उनका दाखिला दादर स्थित दादर पारसी कॉलोनी स्पोर्ट्स क्लब में करा दिया। उन्होंने यहीं से क्रिकेट की बारीकियां सीखी। फारूक इंजीनियर ने सबसे पहले 1958 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। इस दौरान उनकी उम्र महज 20 साल रही। इसमें इनका मुकाबला वेस्टइंडीज से हुआ था। इस मुकाबले में वह कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए। उन्होंने पारी के दौरान 0 और 29 रन बनाए। फारूक इंजीनियर ने टेस्ट की दुनिया में 1 दिसंबर 1961 में डेब्यू किया था। पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। इसके बाद इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 23 जनवरी 1975 में खेला था। एक किस्सा है कि एक बार जब इंजीनियर ने डेनिस लिली के बाउंसर को हुक किया तो लिली ने उनके पास दौड़ते हुए आए और उन्हें ब्लैक फिर ब्ला 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 कर स्लेज किया। इंजीनियर ने स्लिप में खड़े हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मुस्कुराते हुए पूछा, इज ही कलर ब्लाइंड, मैं तो उससे भी ज्यादा गोरा हूं। 1961 में कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करने वाले फारूक के खेल की खास बात थी उनकी दिलेरी और बड़े से बड़े तेज गेंदबाज को मारने की उनकी क्षमता। उस जमाने में वेस हॉल सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे और 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते थे। उस समय बाउंसर और बीमर फेंकने पर कोई रोक या लिमिट नहीं थी। आजकल तो एक ओवर में सिर्फ एक बाउंसर फेंकने की ही अनुमति है।
बैट भी बहुत साधारण हुआ करते थे, छक्का मारने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता था। उस वक्त फारूक इंजीनियर और दुर्रानी छक्कों के स्पेशलिस्ट थे, जो दर्शकों की मांग पर छक्के लगाया करते थे। उस समय उन्हें टेस्ट खेलने के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे, एक दिन का सिर्फ 50 रुपया। फारूक कहते हैं कि मुझे याद है मैं गवास्कर के साथ टेस्ट के चौथे दिन क्रीज पर था, खेल खत्म होने में आधा घंटा बाकी था और हमें जीतने के लिए सिर्फ 20 रन बनाने थे। तभी ड्रेसिंग रूम से संदेश आया कि धीमे खेलो, अगर खेल आज ही खत्म हो गया तो कल के हमारे 50 रुपए मारे जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि हमने हर गेंद को ब्लॉक किया ताकि हमें अगले दिन के 50 रुपए मिल सके। क्रिकेट जगत में फारूक इंजीनियर का नाम सबसे पहले 1966 में आया, जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए लंच से पहले 94 नाबाद रन बनाए। दूसरे छोर पर खेल रहे दिलीप सरदेसाई की सुस्ती की वजह से वो लंच से पहले शतक नहीं मार पाए, वरना वो विक्टर ट्रंपर, डॉन ब्रैडमैन और माजिद खान सरीखे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाते, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। एक इंटरव्यू के दौरान इंजीनियर बताते हैं कि 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में उनके फास्ट बॉलर्स की वजह से कोई भी भारतीय बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए तैयार नहीं था। पटौदी ने मुझसे पूछा, क्या तुम ओपनिंग करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल। आते ही मैंने दोनों तेज गेंदबाजों वेसॉल और चार्ली ग्रिफिथ को ढूंढना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि जब मैं हॉल की गेंद पर चौका मारता तो ग्रिफिथ को हंसी फूट पड़ती और जब मैं ग्रिफिथ को हुक करता तो हॉल की हंसी नहीं रुकती। वेस्टइंडीज सोच रहे थे कि कहां से आया है ये खिलाड़ी, सारे भारतीय बल्लेबाज हमारी गेंद पर अब तक डक कर रहे थे, ये आकर हमें हुक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वेस्टइंडीज के कप्तान सोबर्स नाराज हो गया, वो खुद गेंदबाजी करने आया। मैंने उसके ओवर में भी 20 रन बनाए। लंच होने से 2 ओवर पहले मैं 92 रन बना चुका था। मैंने ग्रिफिथ को हुक किया, रोहन कानाई ने डीप स्क्वायर लेग पर डाइव मारकर चौका रोका, वहां आसानी से 2 रन हो सकते थे, लेकिन सरदेसाई ने सिर्फ 1 रन ही लिया। उसी तरह दोबारा जब 2 रन लेने का मौका मिला तो सरदेसाई ने सिर्फ 1 ही रन लिया। इस तरह मैं लंच पर 94 रन नाबाद लौटा। लंच के बाद पहली गेंद पर छक्का मारकर फारूक इंजीनियर ने अपना शतक पूरा किया। दोस्तों, एक किस्सा है कि 1971 में फारूक इंजीनियर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व एकादश में सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी के साथ चुना गया। उस टीम में 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थे, इंतखाबे आलम और जहीर अब्बास। उस जमाने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था और जहीर अब्बास फारूक के रूममेट थे। उन दिनों जहीर अब्बास की बड़ी मूछे हुआ करती थी। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान इंजीनियर मजाक में जहीर की मूछे खींच रहे थे, तभी एक ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर ने दूर से उनकी तस्वीर खींच ली। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े अखबार में आधे पेज पर वो तस्वीर छपी, जिसके नीचे कैप्शन था, इन दोनों को देखकर क्या आपको लगता है कि इन दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है? भारतीय क्रिकेट में फारूक से जिंदा दिल और मजाकिया खिलाड़ी कमी हुए हैं। अपने साथियों के साथ प्रैक्टिकल जोक्स खेलना उनकी आदत में शुमार था। विकेट के पीछे खड़े होकर स्लिप के फील्डरों और बल्लेबाजों के साथ लगातार बात करना फारूक इंजीनियर की एक खास अदा हुआ करती थी। सुनील गावस्कर बताते हैं कि फारूक भारतीय क्रिकेट के असली प्लेबॉय थे, उनकी वजह से ही मैं स्लिप फील्डर बना। कप्तान अजीत वाडेकर स्लिप के गजब के फील्डर हुआ करते थे, लेकिन कुछ ओवरों के बाद वो या तो कवर में खड़े हो जाते थे या शॉर्ट मिड विकेट पर। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि बगल में खड़े फारूक इंजीनियर के मुंह से हर मिनट निकलने वाले चुटकुलों की वजह से उनका ध्यान बॉलिंग चेंज और फील्ड प्लेसमेंट से हट जाया करता था, इसलिए वो स्लिप से हट जाते थे और मुझे उनकी जगह फील्डिंग करनी पड़ती थी। फारूक और मैं एक दूसरे को डिगरा कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है बेटा, हालांकि वो मुझसे उम्र में कई साल बड़े हैं। दोस्तों, 1967 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान जब इंग्लैंड की महारानी उनसे हाथ मिला रही थी, तभी उन्होंने मुंबई में उनकी बेटी पैदा होने का शुभ समाचार उन्हें सुनाया था। दरअसल 1967 में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में भारत की टीम इंग्लैंड टूर पर थी। टेस्ट की पहली सुबह भारतीय टीम को क्वीन से मिलवाया गया था। जब वे टेस्ट के दौरान टीम के साथ थे तो एमसीसी को भारत से एक टेलीग्राम मिला। उन दिनों तेजी से संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका टेलीग्राम ही था।
चूंकि टेलीग्राम का कवर बधाई वाला था, इसलिए टेलीग्राम को एमसीसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड कैर, जो कि भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने पढ़ लिया और द क्वीन को सौंप दिया। क्वीन ने भी इसे पढ़ा और अपने पास रख लिया। जब वे इंजीनियर से मिली तो बोली, इंजीनियर आपके लिए अच्छी खबर है। इंजीनियर ने जवाब दिया कि वे किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे। इंजीनियर को अंदाजा था कि यह अच्छी खबर उनके बच्चे के जन्म के बारे में ही हो सकती है। इंजीनियर ने पूछा, क्या संदेश है लड़का या लड़की मैम? क्वीन ने पूछा, आपकी क्या इच्छा थी? इंजीनियर बोले, मुझे मालूम है कि बेटी ही होगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे पहले बच्चे के तौर पर लौटेंगी। क्वीन ये जवाब सुनकर हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इंजीनियर कहते हैं कि मेरी माँ बहुत बीमार थी, बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। जब मैं उनके पलंग की बगल में बैठकर रो रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के रूप में फिर से तुम्हारे घर में आऊंगी। मेरी पत्नी जब गर्भवती हुई तो मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे लड़की पैदा होगी, और क्वीन ने मुझे बताया कि तुम्हारी लड़की ही पैदा हुई है। अपनी माँ के नाम पर मैंने उसका नाम भी मिनी रखा। 1973 में जब मुंबई के ब्रेबन स्टेडियम में फारूक इंजीनियर ने शतक जमाया था तो पवेलियन में मौजूद मशहूर उद्योगपति जेआरडी टाटा ने उन्हें गले लगा लिया था। फारूक इंजीनियर बताते हैं कि मैं सेंचुरी के बाद आउट होकर पवेलियन लौट रहा था, तभी गवर्नर पवेलियन में बैठे हुए जेआरडी टाटा ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने उनसे कहा भी कि आपका सफेद सफारी सूट खराब हो जाएगा क्योंकि मैं पसीने से तरबतर हूँ, लेकिन वो नहीं माने। पवेलियन में अचानक मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि टाटा ने खुद उठकर मुझे पानी का ग्लास दिया। हद तब हुई जब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पैड के बकल्स खोल रहा है। जब मैंने देखा तो पाया कि ये काम टाटा कर रहे थे। फारूक इंजीनियर गजब के किस्सेबाज है। वो 1974 के इंग्लैंड दौरे का एक किस्सा सुनाते हैं, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को बकिंघम पैलेस में चाय पर बुलाया। इंजीनियर बताते हैं कि हम लोग एक हॉल में महारानी का इंतजार कर रहे थे। हमारे मैनेजर हेमू अधिकारी को मूंगफली खाने का बहुत शौक था। उन्होंने हॉल में घुसते ही दो मुट्ठी मूंगफली उठाई। एक मुट्ठी तो उन्होंने अपने मुंह में डाली और दूसरे अपने हाथ में ही रहने दी। तभी महारानी ने हॉल में प्रवेश किया और वो सीधे मैनेजर अधिकारी के पास आई। उन्होंने उनसे मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन अधिकारी के हाथ में तो मूंगफली थी। उन्होंने घबराहट में हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ दिए। उनका ऐसा करना था कि उनके हाथों की सारी मूंगफलियां नीचे लाल कालीन पर गिरकर फैल गई। उनमें से कुछ मूंगफलियां तो महारानी की सैंडल में घुस गई और वहां मौजूद सभी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। 1983 में जब भारत ने विश्व कप जीता तो फारूक इंजीनियर बीबीसी के लिए कमेंट्री कर रहे थे। जब भारत जीत की कगार पर था तो उनके साथी कमेंटेटर ब्रायन जॉनस्टन ने उनसे मजाक में पूछा, अगर भारत जीतता है तो क्या इंदिरा गांधी कल भारत में छुट्टी घोषित करेंगी? फारूक का जवाब था, बिल्कुल, इंदिरा गांधी क्रिकेट की शौकीन है। अगर वो इस समय कमेंट्री सुन रही है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भारत की जीत पर पूरे भारत में छुट्टी घोषित की जाए। भारत की जीत के आधे घंटे बाद कमेंटेटर बॉक्स के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इंजीनियर से कहा, मैंने आपकी सलाह मान ली है, कल पूरे भारत में छुट्टी है। बात करें उनके क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए कुल 46 टेस्ट मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 87 पारियों में 31.08 की औसत से 2611 रन निकले। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 2 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है। वहीं बात करें उनके वनडे करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए कुल 5 मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 4 पारियों में 38 के औसत से 114 रन निकले। वनडे प्रारूप में उनके नाम एक अर्धशतक दर्ज है। इन्होंने वनडे की शुरुआत 13 जुलाई 1974 को की थी। इनमें भी इनका पहला मुकाबला इंग्लैंड से ही हुआ था। इसके अलावा वनडे में इन्होंने आखिरी मैच 14 जून 1974 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। मैच डेब्यू में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तूफानी प्रदर्शन के दौरान इन्हें काफी क्रिकेट फैंस ने एक नया नाम दे दिया था। लोगों ने पारसी फारूक इंजीनियर की जगह पर रॉकी नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, जो काफी फेमस हुआ। आज के जमाने की तरह उस समय क्रिकेटर बहुत पैसा नहीं कमाते थे।
फारूक इंजीनियर टीम इंडिया में खेलने के बावजूद नौकरी करते थे। मुंबई में वह मर्सिडीज बेंज कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम देखते थे। बाद में वह जगुआर जैसे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इन्हें क्रिकेट करियर में पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। फारूक इंजीनियर इंडियन क्रिकेट टीम में आखिरी पारसी खिलाड़ी है। दोस्तों, फारूक इंजीनियर साहब के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और साथ ही आप अगली किस खिलाड़ी के किस्से सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।